बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे मैं चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने वाली हूँ, और वो डिश है टिक्का मलाई कढ़ाई। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी झटपट तैयार हो जाने वाली ये डिश है। मैंने तकरीबन 1.25 किलो चिकन ली है, पूरी मैंने चिकन ली थी और उसको के मैंने पीसेस करवा ली हैं। जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो चिकन जो है वो आप थोड़ी छोटी लें, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। क्यूब्स मैंने लिए हैं, ये मैंने लिए, मैं फ्रीज करके रखती हूँ अदरक लहसुन, तो ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिए हैं। टमाटर मैंने 1/2 किलो लिए हैं, 8 अदद मैंने मिर्चें ली थी। मैं अभी आपको तरीका बता दूँगी हरी मिर्चों को और टमाटर को काटने का। 1/2 पाव दही और ये 1 डब्बा मैंने लिया है क्रीम का। कोई भी आप किसी भी ब्रांड का आप चिकन टिक्का मसाला ले सकते हैं, ये मैंने एक पूरा पैकेट लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टमाटर काटने का तरीका बता देती हूँ। मैंने इससे पहले भी अपनी एक चिकन कढ़ाई की रेसिपी में टमाटर काटने का तरीका बताया था। आप ये देख रहे होंगे कि बहुत मैंने बारीक ऑमलेट वाले जैसे प्याज कटती है, इसी तरीके से ये वाला टमाटर कटते हैं। इससे ये होता है कि ग्रेवी बहुत अच्छे से बनती है। टमाटरों को बॉईल करने का या टमाटरों को पीसने का जो है पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इस तरह से आपने टमाटरों के छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। अब ये देखिए मैंने हरी मिर्चें किस तरह से काटी हैं, ये भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बिल्कुल एंड में हरी मिर्चें डलती हैं, तो मैं इस तरह से आपको काट के दिखा रही हूँ। लंबाई में काट लेना है हरी मिर्चों को। अब चिकन को मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए ये देखिए मैं डालूँगी इसमें 1/2 पाव दही, टिक्का मसाला और अदरक लहसुन के पीसेस डाल लेने हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने अच्छे से मसाला जो है मुर्गी के हर टुकड़े पे लगा दिया है। आप ये देख रहे होंगे ये क्योंकि छोटी मुर्गी है, इसलिए इसको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपको रेस्ट पे रखना है। कढ़ाई को मैंने रख दिया है चूल्हे पर। अब मैं लूँगी इस तरह के सर्विंग स्पून भर भर के, 3 सर्विंग स्पून ले रही हूँ मैं घी के। आप ऑयल भी ले सकते हैं। और घी की मिकदार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये 3 सर्विंग स्पून लिए हैं 1/4 किलो मुर्गी में। टमाटर डाल देने हैं इसमें। मैं मीडियम से थोड़ी हल्की आंच पर इन टमाटरों को कवर करके पकाऊंगी। डोई की मदद से टमाटरों को अच्छे से मैश करें और देखें कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं। ऑलमोस्ट टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, और ये देखिए मैं अच्छे से डोई की मदद से इनको मैश कर रही हूँ। आंच में थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। गोश्त में मसाला लगे हुए भी तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं, अगर हमारे टमाटर भी गल चुके हैं तो अब मैं डाल दूँगी चिकन को कढ़ाई के अंदर। आंच में तेज़ कर रही हूँ थोड़ी। अच्छे से मिक्स कर लें टमाटरों को और गोश्त को। Thank you.
अब इसको मैं कर दूंगी कवर। कढ़ाई को बहुत अच्छे से चमचा चलाकर आपने तेज़ तेज़ फ्राई करना है, अच्छे से भून लेना है, उस वक्त तक भूनना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब ये देख सकते हैं व्यूवर्स की कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से भुनाई पर आ गई है, और ये देखिए इतना ज़बरदस्त टमाटर भी भुन गए हैं और मसाला नज़र आने लगा है। ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर मलाई। फुल पैकेट मैं मलाई का इसमें डाल दूंगी क्योंकि ये क्रीमी टिक्का मसाला कढ़ाई है, तो फुल पैकेट हमने डाल देना है। आंच में थोड़ी सी हल्की कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, झटपट तैयार होने वाली ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टिक्का कढ़ाई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, मिक्स करूँगी। थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी ताकि क्रीम भी अच्छे से पक जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है वो क्रीमी टिक्का कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आप ये देख सकते होंगे कि ऊपर जो है वो बहुत अच्छा सा ऑयल आ गया है और क्रीम भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी कोयले का दम। प्याज का एक मैं खोल रखूंगी, इसके ऊपर मैंने कोयला रखना है। दहकता हुआ कोयला रख देना है आपने इसे ताकि अच्छे से जो है तो कोयले का धुआं लग जाए। मज़ेदार झटपट बन जाने वाली क्रीमी टिक्का कढ़ाई आप ये देख सकते हैं रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।